आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। अभी पहले अभी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। श्रीमन्न तामर शिरस्त टरत्न दीप्ति तोयाव भास चरणाम्बुज युग्ममीशम् अरहंत मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य त्वन्मूर्ति शोदिषेक विधिम करिष्ये। अत पूर्वानिक देवंदनायाम पूर्व चार्यानुक्रमेण सकल कर्मचारदम भावभुजा संवंदना समितम श्री पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। 9 बार नमो कर्मण का जाप करें। पुष्प लीजिए। या कृतिमा सिद्धित्रा प्रतिमाजनस्य संस्नाप्यन्ति पुरोहूत मुखादयस्था सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगा तत्रैव मुजलद्य कुसुमं क्षिपामि इति अभिषेक प्रतिज्ञाय परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। चौकी को स्पर्श करेंगे। कनकानम कमरम पावनम पूर्णकाणम। हाँ जी, चौकी को स्पर्श करेंगे। दीपक जी, प्रदीप जी, भाई साहब, चौकी को स्पर्श करेंगे। कनकादिनम कमनम पावनम पूर्णकाणम स्थापयामि परम पीठम जिप्सय भक्त ओम नीम सी पीठ स्थापनम करोमि। श्री पर हाथ लगाइए। श्री पीठ अपने विश्वासित हो गए। श्री प्रसिद्ध पूर्ण शशांक कल्पे श्री वर्त के चंद्रमा सीति वार्ता सत्याप्यंते श्री महालिखामि ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री लेखनम करोमि। जल भरी भरी लाओ, जल भरी भरी लाओ उसको प्रासुक कराओ, जल भरी भरी लाओ उसको प्रासुक कराओ। आज प्रभु जी का नवन कराना है, आज प्रभु जी का नवन कराना है। जय हो। जल भरी भरी लाओ उसको प्रासुक कराओ, आज प्रभु जी का नवन कराना है। विषयों से चित्त हटाओ, अब विषयों से चित्त हटाओ, परिणामों को शुद्ध बनाओ। आज प्रभु जी का नवन कराना है, आज प्रभु जी का नवन कराना है। जय हो। जल भरी भरी लाओ उसको प्रासुक कराओ, आज प्रभु जी का नवन कराना है। जोरदार ताली। ओम ह्रीम कृष्णपन पीठ स्थित जिनार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
कर्म प्रबंधन गिडैरपिहीनताप्तं ज्ञात्वा विभक्तिशतः परमादिदेवं त्वां सिय कलमशगणोन्मथनायदेव शुद्धोदकैरभिनयामि नयार्थतत्त्वम्। हाँ जी, प्रक्षाल प्रारंभ करें और सभी लोग अनुमोदना करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र जैन जिनमिषेचामि स्वाहा। ऐसे प्रभु जिनकी शांत मुद्रा को नमन जलते करें, ऐसे प्रभु जिनकी शांत मुद्रा को नमन जलते करें, ऐसे प्रभु जिनकी शांत मुद्रा को नमन जलते करें। जस भक्ति वश मन उक्तिते हम भानु डिग दीपक धरें। प्रभु का नवन कम अरे थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन करिए। हाँ रत्नों के कलशों में जल भरिए, बोलिए रत्नों के कलशों में जल भरिए। ओ थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन, थोड़ा शुभ भावों से कर रहा प्रतिमा का अभिषेक, शुभ भावों से कर रहा प्रतिमा का अभिषेक। ओ बच्चों शुभा शुभ है, ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सौवसाहूणम। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पन्नतो धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। रोम अनादिशत महामंत्र पूजन भक्ति सादात सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं अस्य उषा अनाहत विद्याय नमो अरहंताणं। ओम सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्रादिपते अष्टगुण समर्थाय फट स्वाहा। ओम अन्नमुखनाशिनी पापमल क्षयंकरी श्रुत ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती तो भक्त प्रसाद मम पाप नाशनं भवतु। छां छीं छीं छ अमृत विबंबम हो स्वाहा। सरस्वती भक्त प्रजा सुज्ञान भवतु। ओम नमो भयवदो वड्डमाण रीसैस जस चक्कम धमचम गच्छे ऐसम पैलम भुविलम जुएव विवाद इवरंगणेव थमणेव मोणेव सब्जी चताणम अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। वर्धमान मैत्रीय सर्वरक्षा भवतु। ओम छीं छां छंचे छंचो छंचन मूर्ते सर्वम रक्ष रक्षम वड़े स्वाहा। सर्वरक्षा भवतु। ओम उसायजन प्रणमामि सया अम्लो विम्लो वीर्यो वर्य कवतरो सब काम द्वा मांसिव्य अठेव्य अठसया अस्य अठसस्य गौर्यो देख देख रक्कम तुम श्री देवासी परमा सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं अरण्मा स्वासुदा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्र अस्य उसमन्त प्रसादात् एतन्मन्त प्रसादात् सर्वभूत अन्तर्वादम नाशं भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम नमोर्ते सर्वं रक्षमणे स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्र अस्य उसमन्त नमः। ओम छां छीं छुं छुं छ सर्व दिशाग्न नाशं भवतु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्र सर्व दिशाग्न नाशं भवतु। ओम समृद्धि कल श्रेष्ठ कल स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्कमण केवलिका निर्वाण कल्याण भविष्य माउदा श्री ऋषभ अजय संभव अभिनंदन।
सुमति पद्म सुपाष चंद्र प्रभु पुष्प सुगंध शीतल सुरवास पूजे विमल अनंत धम शांति कुंजवर मल्ली मुनिश्वर नमी नेमी पाश वर्धमान परम देव पूज भक्त प्रसाद सब चंद्र होतु तो शिव शिव होतु ओम निम लोगो तो तुंगर अतीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल प्रभु शुद्धा सीधा सुदत्तमल प्रदानी सरमती श्री कुसुमांजलि शिव गणोत्सव ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्ण ज्ञानमती शुद्ध भद्र शांति श्री कंदर जैना विमला देव चतुर्विंशति भविष्य प्रणय पुण्य भक्ति प्रसाद सर्वशांति भवतु ओम त्रिकालवर्ते परम धर्मदास सिमंदर युगमंदर ओम ह्रीं श्री भविष्य काल पूर्वा महापद्म देव सुप्रभ स्वयं प्रभ सर्वयुग नयन देवो देव प्रभा देव दंग देव प्रश्न कीर्ति जय कीर्ति पूर्णवती निष्कषाय विमल प्रभ वाहन निर्मल चतुर्भुज शंभु कंदर्व जयनाथ विमला देव चतुर्विंशति भविष्य परम देव पुण्य भक्ति प्रसाद सर्वशांति भवतु ओम भद्र शांति इत्यादि चतुर्विंशति भूत परम देव पुण्य भक्ति प्रसाद सर्वशांति भवतु ओम त्रिकालवर्ते परम धर्मदास सिमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजातक स्वयं प्रभ वज्रधर चंद्रानंद चंद्रबाहु जंगेश्वर नेमी प्रभु वीरसेन वीरसेन महाभद्र जयदेव अजित वीरशेति पंचविदेह क्षेत्र विद्वान विंशति परम देव पुण्य भक्ति प्रसाद सर्वशांति भवतु तुष्टि पुष्टि भवतु पूजिता भर्ता देश भूपेन्द्र भूरी भूतभी चतुर्विदेश संगत शांति कुरंतु शाश्वति विघ्नों का प्रणिमानते शाकनी भूतपन्न गहा विषम निर्विष ताम याति स्तुयमाने जिनेश्वरी दुर्भिक्षादि महादोषे निवारण परम्परा कुरंतु यत्र शांति जिनसुत मुनीश्वरा यस मेरे माते अंधन शांति मूलतः कुरंतु यत्र शांति जिनसुत मुनीश्वरा पदार्थान लभन्ते प्राणी प्रसादात प्रसादतः कुरंतु यत्र शांति जिनसुत मुनीश्वरा कुरंतु यत्र शांति जिनसुत मुनीश्वरा कुरंतु यत्र शांति जिनसुत मुनीश्वरा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रं बोली शांतिनाथ भगवान की आया शरण तुम्हारी आया और तुम हो पूज्य पुजारी मैं यह भेद करूंगा स्वाहा सभी बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। चलिए साहब विनय पाठ निकालेंगे सभी लोग। हमारी थोड़ी इच्छा है कि पार्श्वनाथ नहीं मेरी मेरी बात मेरी बात सुन लीजिए कि भावना पहले जा चुकी है कि वो पूजन कराई जाए और कोई बात नहीं है बाकी बाकी इनमें रे हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे उठारी पीत राग मुद्रा तो मन भावनो रे उठारी पीत राग मुद्रा तो मन भावनो रे हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे हमारा पंच प्रभु भगवान यह विधि ठाणो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ धन्य जिनेश्वर अरे अनंत चतुष्ट मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राम
तो संयम में ही अपना चित्त लगाव जोरे। बोलिए अब तो संयम में ही अपना चित्त लगाव जोरे। मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान हरि हरता अग अंधियार के, करता धर्म प्रकाश करता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। धर्मामृत उर जल दिसो, ज्ञान भान तुम रूप। तुमरे चरण सरोज को नावतती हूँ जग भूप। हरि मैं वंदो जिन देव को, कर अति निर्मल भाव। करम बंद के छेदने और न कछु पाव। भविजन को भव कूपते तुम ही गाढ़न हार। दीन दयाल नाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोय करम रज मैल। पद पंकज पूजते विघ्न रोग डर जाए। शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विष्ठा थाय। हर चक्री सुर खग इंद्र पद मिले आपते आप। अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप। हाँ तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जन्म जरा मेरी हरो करो मोह साधीन। हरि भक्त बहुत पावन किए गिनती कौन करे। अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन देव। हरि थकी नाम भव दधि विषे तुम प्रभु पार करे। केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव। हो जग के व्यर्थ सभी संकल्प विकल्प नशाव जोरे। जग के व्यर्थ सभी संकल्प विकल्प नशाव जोरे। मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान। उठारी वीत राग मुद्रा तो मन भावनो रे। थारी वीत राग मुद्रा तो मन भावनो रे। मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान। हाँ राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव। वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव। हर कितनी गोद कितनार की कित तेरे अंश ज्ञान। आज धन्य भयो पायो जिन वरदान। ओ तुमको पूजे सुरपति अहि पति नरपति देव। धन्य भाग्य मेरो भयो करन लग्यो तुम सेव। आशरण के तुम शरण हो निराधार आधार। मैं डूबत भव सेंदु में केव लगाओ पार। ओ इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान। अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। अरे तुम्हारी नेक सुदष्ट ते जग उतरत है पार। हाहा डूब्यो जात हो नेक निहार निकार। अरे जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और झार। मेरी वंदों पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जास। विघ्न हरण मंगल करन पूरन परम प्रकाश। चौबीसों जिन पद नमो नमो शारदा माय। भग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। ज्ञानादि गुणों का धारी श्रद्धा लाभ जोरे। ज्ञानादि गुणों श्रद्धा लाभ जोरे। मारा पंच प्रभु भगवान
सुहावनो रे मारा पंच प्रभु भगवान उथारी रीत राग मुद्रा तो मन भावनो रे थारी वीत राग मुद्रा तो मन भावनो रे मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे मारा पंच प्रभु भगवान मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान धरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान हरि मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहंत देव मंगलकारी सिद्ध पसो बंधु स्वमेव ओ मंगल आचार जे मुनि मंगल गुरु बझाए मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म मंगल में मंगल करण हरो असाता कर्म हरिया विधि मंगल करण ते जग में मंगल होत मंगल नाथ राम ये भव सागर दृढ़ पोत जग की सारी स्थितियों में समता लाभ जोरे जग की सारी स्थितियों में समता लाभ जोरे मार पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे मारा पंच प्रभु भगवान उथारी वीत राग मुद्रा तो मन भावनो रे थारी वीत राग मुद्रा तो मन भावनो रे मार पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे मारा पंच प्रभु भगवान दिव्य पुष्पांजलि श्वेत जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सवसाहूणम ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपेत नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार अरे अशुभ भाव से वो बच जावे अशुभ भाव से वो बच जावे जो जप ले नो बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार चतारी मंगलम मंगलम साहु मंगलम केवली पण तो धम्मो मंगलम चितारी लोग अरिहंता लोग सीता लोग साहु लोग केवली पण तो धम्मो लोग चतारी शरण पव जामी अरिहंते शरण पव जामी बोलिए सीधे शरण पव जामी साहु शरण पव जामी केवली पन्न तम धम्मम शरण पव जामी अरे निर्ग्रंथों का पथ अपनो कारण मोकार महामंत्र नमो जय हो नमो कारण मोकार महामंत्र नमोकार ओम नमर्ते स्वाहा परिपुष्पांजलि क्षिपेत अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमोचते परमात्मानं स्वभयंतरे शुचि ओ अपराजित मंत्रोयम् सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सव्वे सिं पडमम
अर्हमित्यक्षरम् ब्रह्मवाचकम् परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम् कर्माशक विनिर्मोक्तम् मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् सम्यक्वादिगुणोत्पेतम् सिद्धचक्रम् नमामयम् विघ्नोगा प्रलयम् यान्ति शाकिनीभूतपन्नगः विषम निर्विष्टाम् याति सूयमाने जिनेश्वरे दिव्य पुष्पाञ्जलिम् श्रित उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधोप फलार्घ कई श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकरण के भ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई श्री अरहन सिद्ध आचार्य पादे सर्व साधु भ्यो अंदर भगवत प्राप्त यार हम निर्वपामिति उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरु सुदी वसु धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम महम्यजे ओम ह्रीम श्री भगवत जिन सदिक सहस नामे भ्यो अर्घ्य हम निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्यजे ओम ह्रीम द्वाद सांसुद ज्ञाने भ्यो नमो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्वन् उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राज महाम्यजे ओम ह्रीम ढाई दीप में सदाकाल विद्यमान समस्त भावलिंगी संतों के चरणों में अनंत प्राप्त है अर्घ्य हम निर्वपामीति स्वाहा श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द जगत्त्रयेशम् साद्वादनायक मनंत चतुष्टयार्हम् श्रीमूल संग सुदृशाम सुकेतु हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधि स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति उज्ज्वल विमल बोध सुधा प्रवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक वितैक चिदोद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकाम धिगन्तु कामः आलम्बनानि विविधानि वलम्ब्य वल्गन् उतार्थ यज्ञ पुरुष अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यनूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् जलदिमल केवल बुद्धवानो पुण्यं समग्र महमेक मनाजु होमि ओम यज्ञविधि प्रतिज्ञा जिन प्रति मांग रहे परिपुष्पाञ्जलिम श्वेत श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभ श्री सुपार स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद प्रभ श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेयांश स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज श्री विमल स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म
स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंथो स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रत श्री नमे स्वस्ति स्वस्ति श्री ने मीना श्री पाठ स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान दिव्य पुष्पांजलि शुभेत नित्या प्रकम पान हुत कैवलो घा सूरन मन पर ये शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमाशयो ना हो कोष्ठस्थ धान्यो संहिन्न संस्रोत्र पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमाशयोना संस्पर्शनं संस्रमणं च दूरा तास्वादन घ्रान विलोकनानि सर्वपूर्वै प्रवादिनोऽस्तान्निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमाशयोना नलश्रेणी जङ्घानलश्रेणी फलामुतन्तो प्रसून बीजाङ्कुरचारणाः स्वस्ति क्रियासु परमाशयोना वणिनि दक्षा कुशलामहिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपुर्वान् बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु शेतुमेशं प्राकामे मन्तर्वी मथाति माप्ताः तथा प्रतिगात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमाशयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महो विषा विषा दृष्टि विषा विषाश सखिल बिडे जल मलोषदीशा स्वस्ति क्रियासु परमाशयोना क्षीरं स्रवन्तोत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः स्वस्ति क्रियासु परमाशयोना प्रभो आपने एक ज्ञायक बताया तिहुं लोक में नाथ अनुपम जताया प्रभो आपने एक ज्ञायक बताया तिहुं लोक में स्थिरता जन्ने प्रभो दोष भारी
खटकती है रागादी परिणति विकारी, विश्वास है शीख ये भी मिटेगी, स्वभाव किसन मुख ये कैसे टिकेगी। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। इति प्रमर्षि स्वस्ते मंगल विधान परिपुष्पांजलि श्वेत। बोली देवशाल गुरु भगवान की, केवल लवी किरणों वाली पूजन निकालें, देवशाल गुरु की पूजन। हाँ जी, जिनेन्द्र अर्चना में और जिनवाणी में दोनों में है ये पूजन, देवशाल गुरु की पूजन। चलिए, हाँ ध्यान दीजिए, जूम पर जो लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं, जो पूजने कल आप तक हमने सूचना दी थी, उन पूजनों में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। केवल रवि किरणों वाली देवशाल गुरु की पूजन होगी और पार्श्वनाथ भगवान की पूजन भी लाल जिनवाणी से ही होगी, इसलिए आप उसी पूजन एक तो मेरे कहने से करा दीजिए प्लीज मेरे को, मैं तो मैंने मतलब आप कोई नहीं कोई बात नहीं। परम दिगंबर मुद्रा जिनकी वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा हो वंदन उनको मेरा है। परम दिगंबर मुद्रा जिनकी वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा वंदन उनको मेरा। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंदर, तम दर्शन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन है। ब्रह्मचर्य की गरिमा से आराध्य बने जो मेरा, मैं उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा है। ब्रह्मचर्य की गरिमा से आराध्य बने जो मेरा, मैं उन चरणों का चेहरा हो वंदन उनको मेरा। ओम ह्रीं श्रीदेव सर्व समो अत्र अवतर अवतर समो षडित्यावरणम्। ओम ह्रीं श्रीदेव सर्व समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेडति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्रीदेव सर्व समो अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम् परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बनाया है। वाह, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। हो शीतलता पाने आया है। ओम ह्रीं श्रीदेव सर्वभ्यो संसार ता विनाश नय चंदनम निर्वपामिति। ओ ज्वले हूँ कुंद धवले हूँ प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी। क्यों नहीं हिल रही वो, किसी ने कहा है ना, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, और यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। वो तो चले गए, वो भी तो हमारे मित्र थे, कभी ना कभी हमारे परिवार के साथी थे, वो हमारे माता पिता थे, हमारे भाई बहन थे, हमारे मित्र थे, वो आज कहाँ चले गए।
और हम कहीं के कहीं खड़े रह गए। क्यों खड़े रह गए? क्योंकि हमने उनके जैसी दृष्टि नहीं बनाई, उनके जैसी दृष्टि नहीं बनाई, ठीक है ना। बहुत सहजता का मार्ग है, बनारसी दास जी लिखते ना, ज्ञानी कहे सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। ये बनारसी दास जी ने लिखा है नाटक समय सारे। अब ये अभी किसी विवाद में उलझने का समय नहीं, अब तो विवादों से निकलने का समय है। अनादिकाल हो गया विवादों में पड़े हुए हैं, अब तो हमें एक वीतरागता का मार्ग। और देखो एक पूजन इसमें आती है दूसरी वाली देवशा गुरु की, उसमें बहुत बढ़िया पंक्ति आती है कि जिनवाणी कहते किसे हैं, किसे कहते हैं जिनवाणी, किसे कहते वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ये जिनवाणी के लक्षण है, जिनवाणी का लक्षण। कोई बात कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, उसमें हमें वीतरागता देखनी है। अगर उसमें वीतरागता का पोषण हो रहा है तो वो जिनवाणी है, और अगर वीतरागता का पोषण नहीं हो रहा है तो उस पुस्तक को भले ही चाहे सारी दुनिया मान रही हो लेकिन वो हमारे लिए वंदनीय नहीं है, क्योंकि उसमें वीतरागता का पोषण नहीं है। क्योंकि हम यही तो पढ़ते हैं, राग सहित जग में रुल्यो, अभी तक राग में ही उलझ रहे थे हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म के कारण आज हम संसार में ही खड़े हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, अपना विवेक नहीं लगा रहे। जो आचार्यों ने हमें दृष्टि दी है वो हमें लगानी पड़ेगी आज ही, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। बहुत सरल मार्ग है वास्तव में। चलिए साहब, बहुत पूजा, ये वैराग्य की पूजन है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जीवन यौवन अस्थिर है, सभी बोले भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, चरण अमृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। संसार महा दुख सागर के प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले। अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्य लिए निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का दिन रात शुभा शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। शीतल समय कित किरणे फूटे, संबर से जागे अंतर बल, ओ फिर तप की शोधक वन्ने जगे, कर्मो की कड़ियां टूट पड़े। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोध
हे प्रभु दुर्नय तम सत पर टल जावे बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मसर मोह विनश जावे चिर रक्षक धर्म हमारा हो वो धर्म हमारा चिर साथी जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी चरणों में आया हूँ प्रभुवर शीतलता मुझको मिल जावे और जाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावे सोचा करता बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी हो प्रभुवर जग में रहते जग से नारे अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सारे शादवादे मही तेरी वाणी शुभ नय के झरने झरते हैं गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख अब बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनश्वर मणियां दिन रात लुटाया करते हो समशम की अविनाश्वर मणिया ओम ह्रीम श्री देवशरोभ्यो अननवत प्राप्त है जयमाला पुनर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम इत्याशिवदा परिपुष्पांजलिम क्षिपेत चलिए अर्घ लीजिए द्रव्य आठों जुलीना है अर्घ कर में नवीना है पूजता पाप छीना है भानुमल जोड़ कीना है दी पढ़ाई काविशे छाजे सात शत बीस जिन राजे पूजता पाप सब भाजे ओमनी पांच भरत पांच ऐरावत दस
दस क्षेत्र के विषय 30-24 के 720 जिनेन्द्रेभ्यो अनर्गत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। जल फल आठों द्रव्य अर्घ कर प्रीत धरी है, गणधर इंद्र ने होते तुति पूरी न करी है। अनंत सेवक जान के जग तेले उनका, सी मंदर जिन आदि दे स्वामी बीस विदेह मजा। श्री जिन राज हो भव तारण तरण जिहा, श्री महाराज हो। ओम नृम से विद्वान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घवत् प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कृत्या कृत्रिम चारु चैतन्यलयान नित्यं त्रिलोकी गतान, वंदे भावन व्यंतर द्युतिवरान स्वर्गामरावासगान। सद्गंधाक्षत पुष्प दाम चरुकै सद्दीप धूपै फलै निराधेश अजय प्रणम शिरसा दुष्कर्मणा शांतै। ओम नीम त्रिलोक संबंधी कृत्मा कृत्रिम चैतन्यलयभ्यो अनर्घवत् प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, मुक्ता मोदक से सघने हुए, अतएव रसा स्वादन कर तेरे। घनी भूति अनुभूति लिए हे नाथ मुझे भी, अब प्रतीक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती है। आज अर्घ की सार्थकता तेरी अस्ति मेरी बस्ती है। आज अर्घ की सार्थकता तेरी अस्ति मेरी बस्ती, तेरी अस्ति मेरी बस्ती। ओम ह्रीम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश ने अनर्वत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। जल फल आठों शुचि सार ताको अर्घ करो, तुम्हें को अरिपो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। चौबीसों सिरी जिन चंद विश्वादि ग्रंथेभ्यो अनर्घवत् प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आदिनाथ भगवान का अर्घ लीजिए। शुचि निर्मल नीरम गंध सो अक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचका, हे करुणा से आदिनाथ जिनेन्द्र है गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्वाण पंचकनक सहित है अनर्भत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंद्र भगवान का अर्घ सजी आठों दरब पुनीत आठों अंग नमो, पूजो अष्टम जिन मीत अष्टम अवनि गमो। श्री चंद्र नाथ दुति चंद चरणन चंद्र लगे, मन वचितन जजत अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम नीम श्री चंद्र जिनेन्द्र है अनर्भत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की पूजन इसमें से करेंगे। ये जो आपके पास पुस्तक है हरी वाली, अभी राकेश जी ने आदेश दिया लाल वाली से होगी, अभी थोड़ी हरी वाली से करेंगे पहले। और एक लाल ये भी है वैसे तो, लाल लाल ही का है तो लाल ये भी है वैसे तो। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। शांति शांति शांति।
चलिए साहब, हरि वाली पुस्तक आपके पास, तीर्थंकर विधान वाली, इसमें से अपन शांतिनाथ भगवान की पूजन करेंगे। बिल्कुल होगा। भाग पर रहते हो त्रिभुवन नामी, सात राज दूरी पर स्वामी, दूर रहूं मैं भवगामी। प्रभु आप और बीच हमारे, आज बहुत ही दूरी है। आप बीत रागी मैं रागी, श्रद्धा बंधन डोरी है। हरि वचनों में नहीं शक्ति प्रभु, कैसे आज बुलाऊं मैं। भाव भक्ति मेरी सुन लेना, शांति जिनेश पुकारू मैं। अरे अपने में जब अपनापन होगा, निज आत्मा तब भगवान हो। बोलिए अपने में जब अपनापन होगा, निज में निज पर में परभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान। स्थापना करें। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर सम्मो षडित्या वर्णनम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेडति स्थापनम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। शुद्धा तम का शुद्ध नीर, श्रद्धा झारी में भर लाया। प्रभु दर्श करते ही मिथ्या तम का अंतिम दिन आया। सारे दर को छोड़ प्रभु जी, आज आपके दर आया। शांतिनाथ जिन पर चरणों में स्वभाव जल पाने आया। अरे मैं अपने में तो पाऊं जीनंदा। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जीनंदा। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जीनंदा। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र जन्म प्रश्रय जलम निर्वमाम दी। काल अनादि भवा ताप से भदुख अनंत सहा करता। निज चैतन्य सदन में प्रभुवर क्रोधानल धू धू जलता। सारे दर को आज आपके दर आया। शांतिनाथ जिन पर चरणों में शीतलता पाने आया। अरे शांतिनाथ जिन पर चरणों में शीतलता पाने आया। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र भवत अविनाशनय चंद्रम नृपाम दी। हर हीरा मोती माणिक आदि अक्षत लेकर आया हूँ। राग द्वेष जय हो। निजानंद पुष्पित बगिया में प्रभु विहार नित करते हो। अपनी ही फुलवारी में नित ब्रह्म रूप रस पीते हो। सारे दर को छोड़ प्रभु जी, शांतिनाथ जिनेन्द्र कामबाण विध्वंस नय पुष्पम निर्वपाम दी। श्रद्धा रस से भरा हुआ नैवेद्य समर्पित करता हूँ। निजानुभव से तृप्त प्रभु की वीतरागिता वरता हूँ। सारे
शांतिनाथ जिन वर चरणों में सूची में चरु पाने आया हूँ। ओम श्री शांतिनाथ जिन एक शोध रोगनाश नहीं नैवेद्य मृबांदी हरि अति विरक्त होकर जिन मेरे आप निरखते निज निधिया चरणों में परम ज्योति पाने आया। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मोहन का विनाश है दीपम निर्वाण दी प्रभु आपके सिद्ध महल में ज्ञान धूप घट जलते हैं गर्म के कीट पतंगे दूर दूर ही रहते हैं अरे सारे दर को छोड़ प्रभु जी आज आपके दर आया मम श्रद्धा मंडप में आओ मुक्ति का उत्सव कर दो फल लाया हूँ प्रभु चढ़ाने एक नजर मुझ पर कर दो सारे दर को आज आपके दर आया शांतिनाथ प्रभु के चरणों में मुक्ति रमावर ने आया हरि शांतिनाथ प्रभु के चरणों में मुक्ति रमा वरने आया। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मोक्ष प्राप्त है फलम निर्बांधी बिन श्रद्धा के नाथ हजारों मैंने अर्घ चढ़ाए हैं दिखा दिखा कर इस दुनिया को धर्मी भी कहलाए हैं सारे दर को छोड़ प्रभु जी आज आपके दर आया शांतिनाथ जिनेन्द्र अनर्घ प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत सुंदर प्रेरणा इस पूजन से हमें मिल रही है हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं हर छंद में हमने दो पंक्तियां पढ़ी दीपक जी भाई कौन सी पंक्तियां पढ़ी और जो पंक्ति हमने आठ बार 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 पढ़ी इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण है उस बात में। जो हमने एक एक बार पढ़ी वो तो महत्वपूर्ण है ही लेकिन जिस बात को हमने आठ बार रिपीट किया है और देखना नौ बार और रिपीट ही नहीं किया इस बात को जिनेन्द्र भगवान के सामने संकल्प समझना इस बात को कि हम संकल्प कर रहे हैं। क्या संकल्प कर रहे हैं देखो जरा सारे जरदर को छोड़ प्रभु जी आज आपके दर आया। कौन कौन से दर छोड़कर आया हूँ आदिनाथ का चंदा प्रभु का आज शांतिनाथ की शरण में आए ना तो हमने बाकी के 23 शरण छोड़ दी वो वाली शरण कह रहे हैं क्या कौन सी शरण कह रहे हैं सब समझ जाओ। हे प्रभु आज मैं आपके सामने आया हूँ और उन सारे दरों को छोड़कर आया हूँ तो भगवान अब पूछ सकते हैं तुमसे ध्यान रखना कि अब तो दोबारा तो नहीं जाएगा कि नहीं। देखो आज तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है आज का कॉन्ट्रैक्ट है आज हमारा कल का भरोसा नहीं कल की देखी जाएगी। तो देखो माताजी ने अंतिम पंक्तियों में लिख दिया कि बिन श्रद्धा के नाथ हजारों मैंने अर्घ बनाए हैं कर ले तो कितनी पूजन ये चावलों से छोड़ तू रत्नों से कर ले तो भी कुछ होने वाला नहीं क्यों क्योंकि श्रद्धा नहीं आज श्रद्धा यहाँ की कर ली कल को श्रद्धा वहाँ कहीं के और की कर ली तो तेरा कभी भी मतलब तू सीज नहीं सकता है सीज नहीं सकता है ख्याल में है ना। बहुत बढ़िया पंक्ति है
बिन श्रद्धा के नाथ हजारों मैंने अर्घ चढ़ाए हैं। और ये दूसरी पंक्ति तो कुठारा घात है हमारे जीवन भर के उन बिना श्रद्धा की क्रियाओं पर, बिना श्रद्धा की क्रियाओं पर ये बहुत तगड़ा प्रहार है। क्या कह रहे हैं कि दिखा दिखा कर इस दुनिया को धर्मी भी मैं कहलाया। तो धर्मी कहलाना था कि धर्मी होना था? होना था। नहीं साहब देखो बस इतना ही ठीक है, दो घंटे पूजन करी आए, आप क्या जान लोगे हमारी? इतना ही बहुत है, इसी में सब लोग जान जाएंगे कि हाँ आकाश जी बहुत धर्मात्मा है, है? इतना ही काम हो जाएगा अपना, और चाहिए क्या? और है, हो रहा है, हो रहा है। अरे जिनेंद्र भगवान का दुरुपयोग कर रहा है, जिनवाणी का दुरुपयोग कर रहा है, भगवान के दर्शनों का दुरुपयोग कर रहा है। ये फायदा उठा रहा है कि मैं मंदिर आऊँगा, चार जने देखेंगे और मेरी प्रतिष्ठा होगी, सब लोग मुझे धर्मी समझेंगे, और जहाँ मेरा प्रयोजन होगा वो सिद्ध हो जाएगा। जिससे प्रयोजन होगा सब लोग समझेंगे नहीं नहीं ये तो धर्मात्मा जी है, धर्मी बनना था लेकिन धर्मी कहलाया केवल। ठीक है ना भैया? ये तो ये जो पर्व है ना ये किसी और की चर्चा करने के नहीं है दीपक जी, ये तो अपनी चर्चा करने के दिन है। ये अपना मूल्यांकन, अपना आकलन कि मैंने आज तक कैसे कैसे परिणामों से संसार में घूमा हूँ, हैं? आत्मसिद्धि। देखो सत्य एक होता है, सुनना ध्यान से, सत्य एक होता है और वो सत्य इतना अडिग और इतना अचल होता है, उस सत्य के सामने अनंतों असत्य आ जाएं तो भी वो हिलने वाला नहीं है, उसका नाम सत्य है। बहुत बहुत अपने अंदर दृढ़ता चाहिए, सुमेरु पर्वत जैसी श्रद्धा और दृढ़ता चाहिए। चलिए साहब। तू जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी बोलिए कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। भादोवदि सप्तमी आई कुरुवंश में खुशियाँ छाई, छप्पन दिक देवी आई माता एरा हर्षाई। नृप विश्व सैन अर्चित है, प्रभु के कारण चर्चित है, सर्वार्थ सिद्धि तज आए, दोने रत्न बसाए। ओमि भादकर सत्याम गर्म श्री शांतनाज नींद्र अर्घ्यम दी भगवान की गर्भ कल्याणक महोत्सव की। मदि जेठ चतुर्दशी आई जन्मे त्रिभुवन जिन राई, सब जग में आनंद छाया, सब जग में आनंद छाया, सुरगिरी अभिषेक कराया, सुरगिरी अभिषेक कराया। हस्तिनापुरी नगरी जय प्यारी, प्रभु तीन पदों के हारी, अतिशय दश है सुखकारी, जय शांतिनाथ त्रिपुरारी। ओ जय शांतिनाथ त्रिपुरारी। ओम चेष्ट कृष्ण जन्म मुमनिता श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम नृपाम दी भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। ओ प्रभु जाति स्मरण हो आया, वैराग्य सहज मन भाया, छखंड राज को छोड़ा, विष भोगों से मुख मोड़ा, सिद्धार्थ पाल की चढ़ के सुआम्रवनी में पहुँचे, कृष्ण चतुर्दशाम तपो मंगल मंडिता है श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम नृपाम दी भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की।
बैठे नंदी तरु नीचे, फिर ज्ञान गगन में पहुँचे। सुदी पौष तिथि दशमी को उपदेश दिया भविजन को। मेरी समव शरण में वाणी गणधर गुति कल्याणी, दश के बल ज्ञान के अतिशय प्रभु शांतिनाथ की जय जय। ओ प्रभु शांतिनाथ की जय जय। पौष शुक्ल दशम्याम केवल ज्ञान प्राप्त है श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र है। अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। जब जेठ वदी चौदस थी, तब पाई शिव लक्ष्मी थी। संग 900 थे मुनि राया, गिरिकूट कुंद प्रभ पाया। प्रभु अष्टम वसुधा पाए, हम भी शिव आस लगाए। सम्मेद शिखर की जय जय, श्री शांतिनाथ की जय जय। हो श्री शांतिनाथ की जय जय। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मणिता है श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र है। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा, बोले भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की। जाप लीजिए, ओम ह्रीम अरम श्री शांतिनाथाय नमो नमः। 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 बोले शांतिनाथ भगवान की जय। हरि बिल्कुल, क्यों नहीं पता होता, क्यों नहीं पता होता। अरे जब भगवान महावीर कुमार अवस्था में थे, उसी समय दो मुनिराजों को उनके उनको देखने मात्र से शंका दूर हो गई थी। ठीक है ना, होता ही ऐसा। हाँ, जिनको पता है उनको उनको पता है कि ये भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, भविष्य में भगवान बनने वाले हैं उनकी। हाँ बिल्कुल पता रहता है माता पिता को। भाई आप ये देखो ना, जिनका गर्व कल्याणक और जन्म कल्याणक नगरी में मना है, तो वो बात किससे छुपी रहेगी। सबको पता, रत्नों की वर्षा हुई है, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है, हजारों हजारों इंद्र आके उन्होंने जन्म कल्याणक गर्व कल्याणक मनाया है। अरे ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म हमारा, ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म। आओ जी दीपक जी, प्रदीप जी। जिन धर्म हमारा, जिन धर्म हमारा, धर्म हमारा, जिन धर्म हमारा। मोक्षपुरी की है तैयारी, बोलिए मोक्षपुरी की है तैयारी। मोक्षपुरी पहुँचाता है जिन धर्म हमारा, मोक्षपुरी पहुँचाता है जिन धर्म हमारा। ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म हमारा। जोरदार ताली। से भेद कराता है ये धर्म हमारा, जग से भिन्न बताता है ये धर्म हमारा। ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म हमारा। जोरदार ताली। परम दिगंबर वीतरागी मुनिराजों की।
चलते फिरते हो, चलते फिरते तीर्थ आए हैं मुनिवर, मुनिवर आज मेरे हृदय में आए हैं, मुनिवर आज मेरे हृदय में आए हैं। पीछी है मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, भेद ज्ञान का हो, भेद ज्ञान का दीप जलाए हैं मुनिवर, मुनिवर आज मेरे हृदय में आए हैं, मुनिवर जाएंगे तुम देखते रहना, क्षण भंगुर इस झूठे जग में, जाएंगे तुम देखते रहना, अरे बोलो हम सिद्ध शिला पर तुम देखते रहना, सम्यक हो जाएगी और निज को लक्ष्य बनाएगी, दृष्टि सम्यक हो और निज को लक्ष्य बनाएगी, संयम का अंश प्रकट करके अविरति का भाव नशाएगी, संयम का अंश प्रकट करके अविरति का भाव नशाएगी, जल रत्नों को छोड़ के एक दिन पहने रत्न त्रय गहना, हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, अरे बोलो हम सिद्ध शिला पर तुम देखते रहना, कभी न वापस आएंगे तुम देखते रहना, और स्थिरता बढ़ती जाएगी मुनि दशा धन्य हो जाएगी, स्थिरता बढ़ती और तीन कषाय चौकड़ी भी सहज नष्ट हो जाएगी, तीन कषाय चौकड़ी भी, अरे परिषह और उपसर्गों के भी बस ज्ञाता ही रहना, हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, बोलिए हम सिद्ध शिला पर जाएंगे सब देखते रहना, हर क्षण भंगुर इस झूठे जग में हमको अब नहीं रहना, हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, बोलिए हम सिद्ध शिला रहना, और अंतिम है हो हम निज का ध्यान लगाएंगे कई वल्ल ज्ञान हो जाएगा, हम निज का ध्यान फिर लगा हो चाहे समव शरण बस ज्ञायक भाव सुहाएगा, फिर लगा चाहे समव शरण बस ज्ञायक भाव सुहाएगा, और काल अनंतानंत हमें फिर बस सिद्धों में रहना, हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, बोलिए हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, और कभी न वापस आएंगे तुम देखते रहना, और कभी न वापस आएंगे तुम देखते रहना। ये बात पार्श्वनाथ भगवान कह रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान ने जिस समय
उन उपसर्गों को झेला, उपसर्गों को देखा, तो उस समय उनने किससे कहा? कमर से नहीं कहा, कमर से, वो कमर तो उनको बैरी दिखी नहीं रही था। वो उनसे किससे कहा कि हे जगत की परिस्थितियों हैं, हे ये सारे अल्पक भावों, हे ये योग की चंचलता, तुम देखना एक दिन हम सिद्धालय पहुंच जाएंगे और तुम यहीं रह जाओगे। हैं ऐसे आज सारे जगत से कह दो, जितने भी हमारी दृष्टि में सबके, जिन जिन वस्तुओं की हमारे दिमाग में महिमा है ना, उन सब से कह दो कि तुम यहीं रह जाओगे और हम एक दिन सिद्धालय पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रेरणा है हमारे लिए। और देखो उन्होंने करके भी दिखाया, वो पहुंच भी गए हैं, सबको छोड़ छाड़ के। वो आज अगर वो एक बार भी ऐसा कह देते कि कमठ मैं तुझे भी एक दिन देख लूंगा, तो आज वो वेदी में विराजमान नहीं होते दीपक जी, हैं आज वेदी में विराजमान नहीं होते। उत्तम सिंह, हाँ जी बोलो राकेश जी, कर ले। पेज नंबर 202 निकालें, लाल वाली जिनवाणी में से, ये लाल वाली जिनवाणी, हाँ हाँ लाल जिनवाणी, लाल जिनवाणी, ये वाली लाल जिनवाणी, ये वाली लाल जिनवाणी निकालें साहब, ये वाली लाल जिनवाणी। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पेज नंबर 202। हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, तुमने हमें को यह बतलाया, निज पार्श्वनाथ में थिरता से निश्चय सुख होता सिखलाया, तुमको पाकर मैं तृप्त हुआ, ठुकराऊं जग की निधि नामी, हे रवि सम स्वपर प्रकाशक प्रभु, मम हृदय विराजो हे स्वामी, हे रवि सम स्वपर प्रकाशक प्रभु, मम हृदय विराजो हे स्वामी, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर है, अंदर से वैभववान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर सम्मोषण इत्यावरणम्। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेडति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवभव षट् सन्निधिकरणम् परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। चलो भैया पार्श्वनाथ भगवान को याद करो, समय शिखर पहुंचो। अरे पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरी, सभी बोले पारस रे तेरी कठिन डगरिया, किस विधि में हो, किस विधि में तो है पाँव रे सा, पारस रे तेरी कठिन डगर, जोरदार ताली। कठिन महल तजवन में जाना, बोलिए कठिन महल तजवन में जाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना, अरे तप अति कठिन कठिन मुनि चरिया, तप अति
निचरया पारस कठिन तेरा जिन रूप में आना कठिन तेरा जिन रूप में क्या वो भैया नृत्य नहीं करना क्या राकेश जी आओ भैया चमर ले लो चमर अरे कठिन तेरा जिन रूप में आना कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना कठिन हटाना श्री मुख से नजरी बोलिए कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया अरे पारस रे तेरी कठिन डगर जोरदार ताली पारस रे तेरी कठिन डगरिया समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की अरे कठिन तुझे आहार कराना कठिन तुझे अंतराय से कठिन बचाना अंतराय से कठिन बचाना कठिन जिमाना बिन प्याली बिन थलिया कठिन जिमाना बिन प्याली बिन थलिया अरे पारस रे तेरी कठिन डगरिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया किस विधि में हो किस विधि में तो है पाँव रे बितरागी पारस रे तेरी कठिन डगरिया पारस रे और अंतिम छंद है मोक्ष जहाँ से गया तू जिन राई मोक्ष जहाँ से गया तू जिन राई उस पर्वत की कठिन चढ़ाई उस पर्वत की कठिन चढ़ाई अरे तू ही ले चल मेरी थाम के उंगलिया तू ही ले चल मेरी थाम के उंगलिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया अरे पारस रे तेरी कठिन डगरिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया चल चल जड़ जल से प्यास न शांत हुई अतएव इसे मैं यहीं तजूं निर्मल जल सा प्रभु ने जिस स्वभाव पहचान उसी में लीन रहूं तन मन धन निज से भिन्न मान लौकिक वांछा नहीं लेश रखूं गुम जैसा वैभव पाने को तब निर्मल चरण कमल अर्जूं हाँ जी स्थापना करी कि नहीं करी अभी नहीं करी स्थापना बताओ भैया चलिए छंद बोल लिया था स्थापना का छंद भी नहीं बोला अभी तक चलिए हे पार्श्वनाथ हे ये तो बोल लिया भगवान बोल लिया था छंद मुझे याद आ गया बोला है मैंने बोला है चलिए कोई बात नहीं दोबारा कर लीजिए ओम नीम से पार्श्वनाथ अत्र अवतर अवतर सम्मोषणे ध्यावनम ओम नीम से पार्श्वनाथ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहरति स्थापनम ओम नीम से पार्श्वनाथ आत्मम सन्नीतो भव षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेत जल जल से प्यास न शांत हुई अतएव इसे मैं यहीं तजूं निर्मल जल सा प्रभु ने जिस स्वभाव पहचान उसी में लीन रहूं तन मन धन निज से लौकिक वांछा नहीं लेश रखूं तुम जैसा वैभव पाने को तब निर्मल चरण कमल अर्जुन
ओम ईम से पार्श्ना जिनेन्द्राय जलंधर मत्तुनाशनाय जलम निर्बांधी। चंदन से शांति नहीं होगी यह अंतर मन दहन जलाता है निज अमल। वांछा नहीं लेश रखूं तुम जैसा वैभव पाने को तब निर्मल चरण कमल अर्जुन। ओम नीम से पार्श्ना जिनेन्द्राय भवता विनाशनाय चंदन निर्बांधी। प्रभु उज्ज्वल अनुपम निज स्वभाव ही एकमात्र जग में अक्षत जितने संयोग वियोग तथा संयोगी भाव सभी विक्षत। तन मन धन निज से भिन्न मान लौकिक वांछा नहीं लेश रखूं तुम जैसा वैभव पाने को तब निर्मल चरण कमल अर्जुन। ओम नीम से पार्श्ना जिनेन्द्राय अक्षत प्राप्त है अक्षतान निर्वांदी। ये पुष्प काम उत्तेजक है इनसे तो शांति नहीं होती। वाह ये पुष्प काम उत्तेजक है इनसे तो शांति नहीं होती। निज समय सार की सुमन माल ही काम व्यथा सारी खोती। तन मन पुष्पम निर्विबांधी। हाँ जी जूम पर हमारे संग जो जुड़े हुए हैं साधारण में भाई बहन सभी को ये सूचना देनी है कि जो पूजन हम कर रहे हैं ये नई वाली लाल जिनवाणी पुस्तक में पेज नंबर 202 पर भी है। नई वाली लाल जिनवाणी में पेज नंबर 202 पर भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वभावी। सभी बोले मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वभावी हूँ। जल व्यंजन क्षुधान नाश करें खाने से बंध अशुभ होता। अरु उदय में होवे भूख अतः निज ज्ञान अशन अब मैं करता। मन धन निज से भिन्न मान लौकिक वांछा नहीं लेश रखूं तुम जैसा वैभव पाने को तब निर्मल चरण कमल अर्जुन। ओम नीम से पार्श्ना जिनेन्द्राय क्षुधा रोग नाशन विद्या निर्बांधी। जल दीपक से तो दूर रहो, जल दीपक से तो दूर रहो, रवि से नहीं आत्म दिखाई दे। निज सम्यक ज्ञानमयी दीपक ही मोहते मेरे को दूर कर। बोलिए तन मन से पार्श्ना जिनेन्द्राय महान का विनाश नाय दीपम निर्वबांधी। मैं ही मेरा करता धरता मुझ में पर का कुछ काम न। बोलिए मैं ही मेरा करता धरता मुझ में पर का कुछ काम नहीं। और मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मैं मेरा विश्राम नहीं। जब ध्यान अग्नि प्रज्वलित होए कर्मों का ईंधन जले सभी। दस धर्म मई अतिशय सुगंध त्रिभुवन में फैल
चलेगी तब ही तन मन धन निज से भिन्न मान लौकिक वांछा नहीं ले शिर धन हो तुम जैसा वैभव पाने को तब निर्मल चरण कमल अर्जुन ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अष्टकम देनाय धूपम निर्वपामती जो जैसी करनी करता है वह फल भी वैसा पाता सभी बोले जो जैसी वह फल भी वैसा पाता है जो होकर तत्व प्रमाद रहित वह महामोक्ष फल पाता जय हो तने धने मन से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं सहजानंद स्वभावी हूँ ओ भीम से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मोक्ष प्राप्त है फलम निर्वपामति है निज यातम स्वभाव अनुपम स्वाभाविक सुख भी अनुपम है अनुपम सुख मैं शिव पद पाऊं अतएव ये अर्घ समर्पण है जैसा वैभव पाने को तब निर्मल चरण कमल अर्चूं ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अनर्घ प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा देखो कितने बड़ी प्रेरणा और कितना बड़ा संदेश कितना बड़ा सिद्धांत एक पुस्तक पंक्ति से मिल रहा है वो कह रहे हैं कि हे प्रभु आपकी पूजन भक्ति के अनुराग मुझे क्यों आता है क्यों आता है सब अपने अपने परिणामों को देखें कि हम भगवान की भक्ति पूजन क्यों कर रहे हैं मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ और महिला श्रम में भी मैंने कई बार एक बात कही है कि अगर अपने परिणामों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो क्या कर दो जो भी परिणाम हो रहे हैं क्रोध आ रहा है किसी पे अभिमान हो रहा है शुभ भाव हो रहे हैं भक्ति का भाव आ रहा है एक बार मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हटाना वो तो आए बिना रहेगा नहीं क्योंकि औदयिक परिणाम है आएगा ही आएगा लेकिन एक बार अपनी बुद्धि पूर्वक उस परिणाम के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना कि ये परिणाम हो क्यों रहा है इस परिणाम के पीछे कारण क्या है तो क्या होगा अनिता बहन जी क्या होगा कि प्रश्न चिन्ह लगते ही उसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य सामने आ जाएगा है? उद्देश्य सामने आ जाएगा हम भगवान की पूजन क्यों करें समय शिखर की यात्रा क्यों करते हैं जितने भी भाव आते हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी के मन में ऐसा होता हो कि भगवान की पूजन भक्ति करने से मेरे लौकिक कार्य सद जाएंगे तो प्रश्न चिन्ह लगा के देखना कि तेरे परिणाम क्यों हुए थे कि तेरे पीछे अभिप्राय क्या था कि ये अगर अभिप्राय था तो समझ लेना तूने कोई पूजन करी ही नहीं बोलो राज भाई साहब आपने कल पूजन करी थी जैसे मान लो कोई हमसे कहते हैं अरे रे पंडित जी और साहब कैसे हैं कैसे हैं अरे साहब पूछो मत आज तो हमारी पूजन छूट गई क्या गाजी तो यहाँ भगवान पूछ रहे हैं तूने कल करी थी पूजन कल करी थी क्या पूजन सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं अरे साहब आज तो पूजन छूट गई हमारी राकेश जी पूजन छूट गया आज हमारी तो भगवान क्या कह रहे हैं कल करी थी कि तूने पूजन
अरे तूने आज तक भगवान की पूजन करी नहीं अभी तक, अगर कर ली होती है तो ये पूजन में ही नहीं अटका रहता, तो आज अपने पूज्य स्वभाव को समझ गया होता। अगर हमने आज पूजन नहीं करी तो ये समझना कि अभी कल भी नहीं करी थी हमने पूजन। अगर कहीं विकल्पों में अटकाव है, कहीं अभिप्राय में अटकाव है, कहीं उद्देश्य में अटकाव है, कहना बहुत आसान है कि जग के दुख की तो परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। परिणामों के पीछे अपना उद्देश्य टटोल कर देखना कि भगवान की पूजन क्यों कर रहे हैं अपन, ख्याल में है ना। तो यहाँ इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि अगर तेरे को वो लौकिक वांछा दिख रही है, तन मन धन निज से भिन्न मान, लौकिक वांछा नहीं लेश रखूं। अगर हम किसी से कहते रहे कि भैया लौकिक वांछा नहीं करनी, लौकिक वांछा नहीं करनी, तो नहीं छूटेंगे। उसको अगर ये श्रद्धान हो जाए कि ये जो तन है, ये जो मन है, ये जो धन है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जब ये श्रद्धान बैठ जाएगा तो भगवान के सामने भीख मांगना छोड़ देगा। ये अभी तक तो यही किया है ना हमने, भगवान के सामने भीख मांगी है। इसलिए कह रहे हैं सच्चा भक्त वही है जो भगवान के भक्ति के पीछे यही अभिप्राय रखे। आज हम जो पूजन कराने वाले थे ना देव सदगुरु की इसी पुस्तक में से, तो उसमें एक पंक्ति आती थी, उस पंक्ति का नाम क्या पता है, क्या है पंक्ति, क्या कहते हैं उसमें, उस पंक्ति में कह रहे हैं कि हे प्रभु धन्य होगी वह घड़ी अर्चना के भाव में भी, अर्चना के काल में भी भावना ये ही रहे, और धन्य होगी वह घड़ी जब परिणति निज में रहे। ये पंक्ति आने वाली थी आज उसमें कि हे प्रभु मैं तो कहां अशुभ भाव के विकल्पों में अटक रहा था, यहां तो ये कह रहे हैं कि पूजन का फल तो ये होना है कि पूजन का विकल्प भी छूट जाए। क्या कहा, पूजन का विकल्प क्यों छोड़ना है, क्योंकि पूजन में भी द्वंद है, वो पूज्य है और मैं पुजारी हूं। बोलो ऐसा भेद है कि नहीं। आज हमने सुबह एक भक्ति करी थी अभी प्रक्षाल के बाद, आपने सुनी होगी, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये पंक्ति बड़ी थी ना, उसमें एक एक छंद आया था कि तुम हो पूज्य पुजारी में यह भेद करूंगा स्वाहा। क्या स्वाहा करना है, हम तो सामग्री स्वाहा करके समझ रहे हैं कि हम हो गए हमारी स्वाहा 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 है। क्या स्वाहा करना था कि तुम हो पूज्य पुजारी में यह भेद करूंगा स्वाहा। तो करूंगा क्या, कि बस अभेद में तन में होना और सभी कुछ स्वाहा। जगत के सारे संकल्प विकल्पों को आज मैं स्वाहा करने आया हूं। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सेठ हूं, मैं दुकानदार हूं, ये सारे विकल्पों का आज स्वाहा करने आया हूं। और ये तो बहुत स्थूल है, ये तो बहुत स्थूल है। मैं जो वचनों से ये कहता हूं ना कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य हूं, अरे ऐसा विकल्प भी स्वाहा करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल होगा, और होगा एक दिन जरूर, क्योंकि ऐसा विकल्प टूटे बिना भी मुक्ति होने वाली नहीं है। इतना इतना भेद ज्ञान की पराकाष्ठा है हमारे जैन दर्शन में, इतनी पराकाष्ठा भेद विज्ञान की है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम जैसा वैभव पाने को तब निर्मल चरण कमल अर्चूं। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए साहब, पार्श्वनाथ भगवान की पंचाणक के अर्घ।
दूज कृष्ण वैशाख को प्राणत स्वर्ग विहाय। वामा माता उर वसे पूजो शिव सुखदा। अरे अंतिम गर्भ को धारा प्रभु ने, अंतिम गर्भ को धारा प्रभु ने, आए न फिर संसारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा। हाना ओम ह्रीम दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता शीर ते शुद्धिचार अभिज्ञान उपयोग सम्यक शक्ति तस्त्याग शक्ति तस्तप साधु समाधि वैय व्रतकरण अरहत भक्ति आचार्य भक्ति बहुसुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक आपने हानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वासरिति शोषकाने व्यो जन्म जन्म तुनाशनाय जलम निरुपांति। चंदन घसों कपूर मिला पूजो श्री जिनवर के पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओ तंदुल धवल सुगंध अनु पूजो जिनवर तिहु जग भूप परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। फूल सुगंध मधुप गुंजान पूजो जिनवर जग आधार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाई सोले तीर्थंकर पद दाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीम दर्शन सुजादि शोष काने व्यो कामान व्यो सनाय पुष्पम निर्वपाम दी। सदने वज बहु विधि पकवान पूजो श्री जिनवर गुण खान परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दीपक ज्योति तिमिर क्षय कार पूजो सृजन केवल धार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध अगर कपूर गंध शुभ के सृजनवर आगे महके परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाई सोले तीर्थंकर पद दाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीम दर्शन शुद्ध धूपम निर्वांदी श्री फल आदि बहुत फल सार पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाई सोले तीर्थंकर पद दाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीम दर्शन शुद्ध आदि शोष काने भी मोक्ष प्राप्त है फलम निर्वांदी जल फल आठों दरब चढ़ाए ध्यान व्रत करो मन लाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाई सोले तीर्थंकर पद दाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। हरि जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्शन सुजादी शोष करने भी अन्य प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम दर्शन शुद्धि भावने नमः अर्घ्यम निर्वपामति। ओम ह्रीम विनय संपन्नता भावने नमः अर्घ्यम निर्वपामति। ओम ह्रीम नेति चार शीलवृत भावने नमः अर्घ्यम निर्वपामति।
ओम नीम अभीक्षापयो भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नीम संवेग भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नी शक्ति त्याग भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नी शक्ति तस्तव भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नीम साधु समाधि भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नीम वैयव्रतकरण भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नीम अरभक्ति भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नीम आचार्य भक्ति भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नीम भवसुख भक्ति भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम नीम प्रवचन भक्ति भावने नम अर्घ्यम नृपांति स्वाहा। चलिए ये आवश्यक अपरिहार्य भावना पढ़ेंगे अपन। भाव धरे समता सब जीव सु स्तोत्र पढ़े मुख से मन हारी कायोत सर्ग करे मन प्रीत सुवंदन देव तनो भव तारी ध्यान धरी मद दूर करी दो वीर करे पढ़े कंपन भारी ज्ञान कहे मुनि सोधन वंत जो दर्शन ज्ञान चरित उभारी ओनी आवश्यक भावना नम अर्घ्यम नृपांति ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावने नम अर्घ्यम नृपांति ओम ह्रीं प्रवचन वसलत भावने नम अर्घ्यम नृपांति षोड़श कारण गुण करे हरे चतुर गति वास पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश ज्ञान भानु प्रकाश रिपायो जी मैं तो ज्ञान रतन धन पायो पायो जी मैं तो ज्ञान रतन धन पायो ममता टारू समता धारू बोलिए ममता टारू समता धारू सम्यक ज्ञान जगायो पायो जी मैं तो ज्ञान रतन धन पायो पायो जी मैं तो ज्ञान रतन धन पायो दर्श विशोदी धरे जो कोई ताको आवा गमने न होई बोलिए विनय सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपद टाले ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही हरे जो संवेग भाव विस्तारे सुरग मुक्ति पद आप निहारे ज्ञान दे मन हर्ष विशेषे भव जस पर भव सुख पेगे जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा साधु समाधि सदा मन लावे तिहु जग भोग भोग शिव जावे ओ निश दिन वैया व्रत करैया सो निश भव नीर तिरैया जो अरहंत भक्ति मन आने सोजन विषय कषाय न जाने अरे जो आचारज भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार धरे हैं बहुश्रुतवंत भक्ति जो करई सो नर संपूर्ण सुख धरई प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता लहे ज्ञान परमानंद दाता षट आवश्य काल जो साधे सो ही शिव मार्ग रीति पिछानी वत्सल अंग सदा जो आवे सो तेरे दंकर पदवी पावे ओ क्षमा धर्म प्रगटायो पायो जी मैं तो ज्ञान रतन धन पायो पायो जी मैं तो ज्ञान रतन धन पायो सोलह भावना सहित धरे व्रत जोये देवर इंद्र नर बंद पर ध्यान शिव पद हो ओम ह्रीं
दर्शन शुद्धि षोरश कणे भ्यो जयमाला पुनर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सुंदर षोडश कारण भावना निर्मल चित्त सुधारक धारे कर्म अनेक हाने अति दुर्दर जन्म जरा भय मृत्यु निवारे दुख दरिद्र विपत्ति हरे भव सागर को पर पारे उतारे ज्ञान कहे यही षोडश कारण कर्म निवारण सिद्ध सुधारे हरे ज्ञान यही षोडश कारण कर्म निवारण सिद्ध सुधारे इत्याशीर्वाद परि पुष्पांजलि क्षिपेत बोले सोलह कारण धर्म की जय। चर्चा के क्रम में हमारी ये सोलह कारण भावनाओं पर पाँच पाँच दस दस मिनट की हमारी चर्चा चल रही है। यद्यपि ये भावनाएं 10-15 मिनट आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा की चर्चा के लिए अपेक्षित नहीं है, इतनी ही अपेक्षा नहीं रखती हैं, ये तो वास्तव में जीवन भर भाने योग्य भावनाएं हैं। भावना का मतलब कल बतलाया था ना, किसे कहते हैं भावना? राकेश जी किसे कहते हैं भावना? हाँ, भावना जिसका चिंतन बार बार किया जाए वो भावना है, ठीक है ना। अब किसका चिंतन करें कि साहब ये तो बतला दो किसका चिंतन करें? हाँ देखो, कई बार विचार करने में आता है कि हमारा जैन धर्म निवृत्ति प्रधान है कि प्रवृत्ति प्रधान है, है? निवृत्ति माने छोड़ने छोड़ने का विधान है केवल हमारे यहाँ। हाँ देखो, प्रवृत्ति भोगों से तो निवृत्ति प्रधान है और स्वयं प्रवृत्ति प्रधान है। हम आपसे पूछें दीपक जी, क्यों साहब आपने दरियागंज छोड़ दिया क्या? नहीं पूछे मान लें तो आप कहेंगे हाँ सर छोड़ दिया, तो बोलो हमारी बात पूरी हो गई क्या? अगर हमने ये पूछा है कि आपने दरियागंज छोड़ दिया तो गारंटी से बोलो अगला प्रश्न क्या होगा, क्यों प्रदीप जी, होगा कि नहीं होगा? हम इतना पूछकर ही संतुष्ट नहीं रह जाएंगे कि छोड़ दिया क्या? अगला प्रश्न ये जरूर करेंगे कि अगर दरियागंज छोड़ दिया है तो अब कहाँ हो, ठीक है ना। ऐसे कह रहे सब क्रोध छोड़ दिया क्या, यहाँ सब छोड़ दिया तो क्या रखा? नहीं छोड़ तो दिया, मारी मान 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 लिया आपकी, मान छोड़ दिया आपने, क्रोध छोड़ दिया, रखा क्या? कि साहब क्षमा रख लिया हमने। ये निवृत्ति स्वरूप निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति का धर्म है, पर से निवृत्ति और स्वयं प्रवृत्ति। अब देखो, हम कल तक जितनी भावनाओं का हमने चिंतन किया था उसमें श्रद्धा भी आ गई कि श्रद्धा हमने की, किसकी श्रद्धा करी? भगवान के बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा करी, विनय भी कर ली, शील व्रत भी धारण कर लिए, ज्ञान की भावना भी भाली, त्याग की भावना भी भाली, इच्छाओं के निरोध पूर्वक तप की भावना भी भाली कि अब क्या चाहिए? कि साहब अब तो ये चाहिए, जीवन तो हमारा संभल गया, अब हमें अपना मरण संभालना है। क्या संभालना है? इसलिए ये भावना आई कि साधु समाधि। किसे कहते हैं साधु समाधि? किसे कहते हैं साधु समाधि? अच्छा, समाधि तो सबको समझ में आता है कि नहीं आता? समाधि किसे कहते हैं? कि पंडित जी समाधि माने जब अंत समय आ जाए तो वो वाली भावना पढ़ लेना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, और देहांत के समय में कब पढ़ना? तब। देखो ध्यानत राय जी की पंक्तियां पढ़ो आप, गजब है। ध्यानत राय जी ने एक एक शब्द, संजीव जी एक एक शब्द ऐसा डाला है, अगर हम उनकी गहराइयों पर विचार करें आकाश जी तो हमारी अंदर की ज्ञान की आंखें खुल जाएं। देखो क्या डाला उन्होंने शब्द, जयमाला में देखो उन्होंने साधु समाधि के लिए क्या लिखा है। साधु समाधि सदा मन लावे, कब लावे? सदा। इसका मतलब ये काम उस समय का नहीं है,
देखो अब नाम लूं कि नहीं लूं, अब नाम जो जो प्रकरण आ रहा है तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने एक पुस्तक लिखी है संलेखना नाम की, डॉक्टर साहब ने समझ गए, डॉक्टर साहब तो समझ गए भारिल जी, उन्होंने एक किताब लिखी संलेखना नाम की। अभी जब कुछ दिन पहले एक संलेखना पर विवाद खड़ा हुआ था ना कि साहब ये संलेखना दिखावा नहीं है, इसका कोई जुलूस नहीं निकाला जाता है, ये तो एकांत की प्रक्रिया है, एकत्व की प्रक्रिया है ना, इसका कोई प्रयोजन आयोजन नहीं किया जाता इसका, तो उस पर राजस्थान में एक केस भी हो गया था कि साहब ये तो संलेखना नहीं, संलेखना के नाम पे आत्महत्या है। तो हमारे जैनियों के एक बहुत बड़े सिद्धांत पर कुठाराघात होने जा रहा था, लेकिन वो फिर उसके बारे में सभी लोगों ने मिलकर, ऐसा नहीं श्वेतांबर दिगंबर, सब भाइयों ने मिलकर, सभी बहनों भाइयों ने मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया और वो बात वहीं की वहीं दब गई। तो उन्होंने एक बात लिखी समाधि के संबंध में, वो कहते हैं कि मृत्यु जो होगी वो लोग कितने समय में होगी, माने प्राण निकलेंगे जिस समय, उस समय कितनी देर लगेगी, एक समय में बस प्राण निकले, एक समय, ठीक है ना। तो मरण तो एक समय का है ना भाई साहब, तो ये समाधि भावना मरण समय की कैसे हो सकती है, एक समय का मरण है, उस एक समय के लिए पूरे जीवन भर जो भावना भाई जाए, उससे पहले तो सारा जीवन ही है, मरण एक समय का और उससे पहले, एक समय से पहले सारा क्या है, सब जीवन है। तो वो भावना भाने की भावना, समाधि की भावना कब करनी, कि जीवन भर करनी। हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि साहब अभी तो देखो पंडित जी अभी समय वो नहीं है, अभी तो देखो बच्चे भी संभालने हैं, घर गृहस्थी देखनी है, आपके आप तो कह कुहा कर चले जाओगे 10 दिन बाद, हैं करना तो हमें हैं, लेकिन हम ये आचार्य हमसे कहना चाह रहे हैं, विद्वान हमसे कहना चाह रहे हैं कि भाई तेरे पास मात्र, अगर माने हम इस मनुष्य पर्याय की उत्कृष्टता देखें, अभी मनुष्य पर्याय की कितनी सीमा है आयु की पता है आपको, अधिक से अधिक कितनी सीमा है, मैक्सिमम 120 वर्ष समझ लो आप, 120 वर्ष से ज़्यादा कोई नहीं जी सकता। ये बात कब के लिए थी 120 वर्ष, जब पंचम काल प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ के समय की बात थी। और आपको पता है कौन सा काल चल रहा है, कौन सा काल है दीपक जी, ये डिक्रीजिंग काल चल रहा है, अवसर्पणी काल, हर चीज़ घट रही है। तो 120 वर्ष अधिकतम वाली बात कब लगती, कि जब ये पंचम काल लगा ही लगा था, और पहले होती भी थी ज़्यादा आयु लोगों की, है ना, आपके भी परिवार में कुनबे में कोई ना कोई तो होगा कि जो 100 वर्ष या 100 से थोड़ा सा अधिक जी गया होगा। अभी अभी 2 साल पहले ही एक आचार्य निर्वाण सागर महाराज जी थे यहाँ खनिया धाना में, मैं वहाँ गया, इतने शांत चित्त, बिल्कुल संयम से रहना, चारित्र पालन करना, इतनी अवस्था उनकी शिथिल होने के बाद भी उन्होंने आहार खड़े खड़े लिया, खड़े होने की स्थिति नहीं थी फिर भी उन्होंने खड़े खड़े आहार लिया, और उस दिन हमें भी सौभाग्य मिला और हमारे अपने अपने हाथों से भी हमने उनको आहार कराया। निर्वाण सागर महाराज थे और उनकी आयु 105 वर्ष होकर उनकी समाधि हुई, 105 वर्ष, अभी भी 2 साल बाद, 2 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको, तो मैक्सिमम आयु 120 वर्ष की, ठीक है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कब करें, कि आज पता लगा और आज से करना प्रारंभ करना है, ऐसा नहीं कि किसी की इंतजार करनी है। अच्छा बोलो कोई हमें इसका भी तो इंतजाम करना पड़ेगा कि जब हमारा अंत समय आएगा तो कौन हमारी समाधि कराएगा, कौन कराएगा। उस समय अगर हमारे संयोग में, हमारे पुण्य में कोई निर्यापक गुरु, कोई निर्यापक साधर्मी है, यहाँ तो अभी ध्यानतराय जी ने लिखा है ना, ये ज्ञान कवि ने लिखा है कि साधु समाधि में लिख रहे हैं कि साधु की संगति धर्म को कारण, भक्ति करें परमारथ सीझे। साधु की संगति करना, अब साधु माने क्या बोलो भाई साहब, साधु माने क्या, साधु शब्द रूढ़ है हमारे दिमाग में, साधु माने वही साधु, ऐसा नहीं है, साधु माने है, अभी वो उत्तर नहीं कह रहे हम, यहाँ प्रसंग पे आओ, अभी समाधि है, अब बोलो मत बस साधु माने, देखो समाधि के साथ जो साधु शब्द लगा है ना,
एक दृष्टि से वो समाधि का विशेषण है, उसकी विशेषता बतला रहा है। जैसे हम ये कहें कि अभी मैंने आपको कल बतलाया था ना कि इन भावनाओं के आगे एक शब्द लगा है जरूर, आगे पीछे कुछ ना कुछ, निरतिचार शील व्रते स्मृतिचार है, उसमें एक शब्द लगा है अनतिचार पूर्वक, तो ये उसका विशेषण हो गया, ठीक है ना। अतिचार ना लगे, अनतिचार पूर्वक शील व्रत की भावना भाना, तो ये उसका विशेषण हो गया। ऐसे ही समाधि का विशेषण क्या है कि साधु समाधि, साधारण समाधि नहीं, सम्यक समाधि, परमार्थ समाधि, उसका नाम है साधु, ख्याल में है ना, साधु समाधि। अब हम इसमें ये भी लगा सकते हैं कि हमें साधुओं की संगति करनी चाहिए, हमें साधर्मियों की संगति करनी चाहिए। साधु माने सज्जन भी होता है आनंद जी, साधु माने सज्जन भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना किसी को, आपने इतना उत्कृष्ट काम किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, ये सज्जनता का भी प्रतीक है, ख्याल में है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें साधर्मियों की संगति करनी चाहिए, अपने आसपास का वातावरण हमें ऐसा रखना चाहिए जो हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने में निमित्त बने, राग द्वेष बढ़ाने में निमित्त बने, वहाँ हमें छोड़ देना चाहिए। बोलो हम जैनियों की क्या पहचान है, हम जहाँ भी मकान लेंगे बोलो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ना, देखेंगे हम चाहे लाख दो लाख वहाँ फालतू दे सकने को तैयार हैं, और होता ही है ये। और अगर जिस मकान में जिस गली में हम रह रहे हैं उस गली में वहाँ धर्म भावना खत्म होती देख रहे हों, तो अब हमारा मन वहाँ से उछटने लगता है, अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमारा धर्म नहीं सदरा। तो जब हम मकान के बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो हम जीवन भर अपने आसपास में ऐसे लोगों को बुद्धिपूर्वक हम अपने लोगों को एकत्र करें। और मान लो कोई अपने परिवार में कोई दुर्जन आ जाए, फिर क्या करें पंडित जी, चलो बाहर वालों से तो निमट लेंगे हैं, अपने घर में ही कोई दुर्जन जीव आ जाए और हमारा ही कोई पूर्व का बैरी आ जाए तो क्या करना, तो समता भाव रखना, सारे उपाय हैं, सारी मेडिसिन है, सारी दवाइयां हैं, तो आ तो सही कौन सी बीमारी है तेरे को। बाहर वालों से निरपेक्ष हो जाना, और घर वालों से निरपेक्ष कैसे होना कि भाई है तो ये मेरे संयोग में, लेकिन ये मेरे समता में भावों से ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। होता है ऐसा, अपने परिवार में कोई ऐसा जीव आ जाए पूर्व का बैरी, और बचपन से लेकर उम्र भर वो बाप को परेशान करे, माता पिता को परेशान करे, सुना होगा ना आपने कभी कभी ऐसा, और होता ही ऐसा। अरे हमारे पूर्व के ही संगी साथी तिरंज की आयु बांधकर हमारे घर के आगे आगे बैठ जाते हैं, ऐसा होता है, है? मान लो कोई कुत्ता हमारे घर के आगे रोज आके बैठ जाए, देखना आप उसकी प्रवृत्ति, और हम उसको बार बार भगाएं और तो भी वो ना भागे, मार खा के भी ना भागे, और पूंछ हिलाए हमारे सामने, तो समझ लेना कि जरूर इसका कोई पूर्व का संबंध है, ये यहाँ से हिल नहीं रहा है। हो सकता है कि वो पूर्व में इस घर का मुखिया रहा हो और उसे ये भाव रहता हो कि ये मकान मेरे बिना हिल ना जाए, ये परिवार मेरे बिना हिल ना जाए, इस परिवार में कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, तो ऐसे संस्कारों से वो दूसरी पर्याय में जाकर भी वही संस्कार बने हुए हैं, और वहीं 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 दौड़ रहा है बार बार, वहीं दौड़ रहा है बार बार। ऐसा हमारे संग भी अनंत बार हुआ होगा, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। आप ये मत सोचना अन्यथा चर्चा चल रही है, ये साधु समाधि की चर्चा है। सदासुख दास जी ने लिखा है, सदासुख दास जी कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में वैराग्य निकाल कर देखना, हर परिस्थिति में, इस जगत की एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, ये मरण तो बहुत बाद की बात है, चप्पे चप्पे पर वैराग्य पसरा हुआ है, चप्पे चप्पे पर। बोलो आप कौन सी परिस्थिति ऐसी है जहां से हम वैराग्य नहीं निकाल सकते, खाना खाते समय भी वैराग्य निकाल सकते हैं, नहाते समय भी वैराग्य निकाल सकते हैं, स्नान करते समय भी बोलो ऐसा भाव आ सकता कि नहीं आ सकता आनंद जी, कि अरे इस शरीर का स्नान तो हो गया, इस शरीर की पवित्रता, जो पवित्र है नहीं और जो पवित्र कभी होगा नहीं,
उसको नहला के मैं पवित्रता मान रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर की मलिनता कब जाएगी? बोलो, हो गया ना वैराग्य? इतना सा वैराग्य लाना था भोजन करते समय, अरे ये शरीर का पेट तो भर गया, लेकिन मेरी अंदर की ज्ञान की क्षुधा कब शांत होगी? मुझे कब केवल ज्ञान जैसा मिलेगा? मुझे कब सम्यक ज्ञान होगा? मुझे कब भेद विज्ञान होगा? ऐसी भावना भावना शत्रुओं के प्रति, बैरियों के प्रति, विधर्मियों के प्रति, अधर्मियों के प्रति बैर नहीं करना, कोई विवाद नहीं करना उनसे, क्षमा भाव धारण। और तो और, बैर नहीं करके घर बैठ जाना, इतना नहीं, उसको हीन दृष्टि से ना देखना और उसको ये मानना कि ये भविष्य का भगवान है, इतनी समता चाहिए। सोलह कारण भावना भाकर तीर्थंकर बनने के लिए इतनी समता चाहिए, ऐसी समता नहीं, अरे यार यहाँ गुस्सा करा तो ये सब जगह सब देख लेंगे क्या होगा, सब लोग समझेंगे कि गुस्सा करते हैं, हैं तो प्रतिष्ठा खराब होगी, ऐसी समता नहीं चाहिए। अरे पूरे समाज के सामने अगर हमसे कोई गलती हुई है तो स्वीकार करे उसे गलती को, कोई बात हमसे कोई अपराध हो गया है, किसी के प्रति कोई अनर्गल वचन हमसे निकल गए हैं तो सबके सामने जाके माफी मांगे। कैसी कैसी हमारी वो, किससे शर्माएं हम? बोलो, हमें अपना अनंत काल देखना है या मात्र एक समय के 10 मिनट के परिणाम देखने हैं? अनंत काल देखना है हमें, हमारे आगे अभी अनंत काल खड़ा है। अगर हम आज ही अपने परिणामों को सुधारने का भाव नहीं लाए तो अनंत काल तक कितने रगड़। महावीर भगवान आप देखो जरा, मारीच का जीव आदिनाथ की पर्याय से लेकर महावीर की पर्याय तक पहुंचने में कितना समय लगा उनको, एक कोड़ा कोड़ी सागर। एक कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है पता है आपको प्रदीप जी? सागर माने वो बंबई वाला सागर नहीं, सागर। इस सागर के असंख्यात में भाग में भी असंख्यात वर्ष हैं, इतने सागर। बहुत बड़ा योजना पर्यंत गड्ढा खोदना पड़ेगा, एक योजन का गड्ढा खोदना पड़ेगा। क्यों तारा बहन जी? गड्ढा खोदना पड़ेगा समझाने के लिए सागर है। तो वो मारीच का जीव कितनी पर्याय, कितनी बार तो वो त्रियंच की पर्यायों में, कितनी बार नरक की पर्यायों में, सुअर बना कितनी बार, कितनी बार त्रियंचों में गया, कौन? वो भगवान महावीर के जीव, कितनी कितनी बार। और हमें क्या लग रहा है कि साहब हमारा कल्याण तो हो जाएगा, बस अब 2 दिन रह गए, हमारा कल्याण तो निश्चित है, अब तो 2 दिन रह गए, अब क्या रह गया? उत्तम आकिंचन है उसके ब्रह्मचर्य, और टिकट मिल गया हमें मोक्ष का। अरे भाई भूल में मत रहना, भूल में मत रहना, अभी तो हमारी शुरुआत भी नहीं हुई। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। कैसे होगा मुक्ति का उद्घाटन? समता पूर्वक होगा, समाधि पूर्वक होगा, साम्य भाव से होगा। दौलत राम जी लिखते हैं ना, तूने सारी उम्र यूं निकाल दी, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपने, कैसे लखे तू अपने रूप, सारा जीवन तो तूने निकाल दिया। तो ये दौलत राम जी हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि बालपने में क्या करना, बालपना काय के लिए? अरे नहीं नहीं साहब, पंडित जी अभी तो खेलने की उम्र है, इन बच्चों को कहाँ मंदिर के उसमें लगा रहे हो आप? देखो बात भैया, मुझे कहने का भाव तो आता है और कह भी ना रहूँगा नहीं। मैंने दरियागंज में सबके प्रति, सब बहुत अच्छे भावना वाले हैं, सब बहुत बढ़िया उसके हैं, लेकिन बच्चों को प्रमोट करने में बहुत शिथिलता है अपने यहाँ पर। यहाँ पूजन विधान में, भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कि साहब बच्चे सुनते नहीं हैं, उनकी क्लासें हैं, उनके ट्यूशंस हैं, उनकी पढ़ाई है, कितने कितने दिन की पढ़ाई है, मैं मना नहीं कर रहा उस पढ़ाई से। जैसे हम लौकिक कार्यों में ज़बरदस्ती अपनी मनवाते हैं, वैसे ही धर्म क्षेत्र में एक बार तो हमें अपनी चलानी चाहिए। अरे वो आप उसको अपना बेटा मत देखो, उसे अपने संयोग में आया हुआ एक साधर्मी जीव देखो। अगर ये साधर्मी जीव हमारे संयोग में आया है तो हमारी तरह धर्म की भावना में लगे। मैंने देखो, मैं आज गद्दी पर बैठ के एक बात कह रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अपने बेटे को मंगलायतन भेजा,
वहाँ DPS में पढ़ा, मंगलायतन की पढ़ाई पढ़ा, और DPS की पढ़ाई मायने रखती है अपने आप में, और बच्चे को टेंशन होती भी है कि साहब पढ़ाई बहुत कठिन है। तो मैंने उसको एक बात कही, देखो गद्दी जिनवाणी रखी है सामने, कि मैंने कहा बेटा लौकिक पढ़ाई में तेरे 33 नंबर तो आ जाएंगे, बस 33 नंबर ले आइए, लेकिन वहाँ जो धर्म की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसमें मुझे नंबर कम नहीं चाहिए। ये बात मैं जिनवाणी की साक्षी में कह रहा हूँ, ये बात कही मैंने उससे, बेटा 33 नंबर से ज़्यादा नहीं, मुझे 33.5 भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई से जो आजीविका होगी वो तेरे पुण्य के उदय से होगी, पुण्य पल्ले में होगा, और पुण्य पल्ले में नहीं होगा तो आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों को भी 6-6 महीने रोटी नहीं मिलेगी। बोलो इतनी हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए कि नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है? तो अब थोड़ा सा बहाने हमें छोड़ने पड़ेंगे। बच्चों को लगा बालपने में ज्ञान लयो और तरुण समय संयमरत रहो। तरुण समय क्या करना कि संयम के साथ रहना, और बुढ़ापे में क्या करना कि साहब बुढ़ापे की कोई भरोसा नहीं है, अब तो चारपाई पकड़ी जाएगी। और जिन बेटों को हमने संस्कार नहीं दिए वो बेटे हमें पानी छना हुआ देंगे कि नहीं देंगे अंत समय में, ये अपना ध्यान कर लेना। जिन बच्चों को हमने विदेश भेज दिया कि वाह विदेश जाकर हमारा नाम रोशन कर रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है, और किसी को बताते समय कि साहब आजकल बेटा कहाँ है, और कैसा लगता होगा, गर्व महसूस होता है, अंदर में छाती फूल जाती होगी, अरे धिक्कार है तूने इस धर्म के देश को छोड़कर, ऐसा धर्म और कहीं नहीं है, ऐसे धर्म की नगरी को, ऐसे धर्म के क्षेत्र को छोड़कर तू वहाँ भेज दिया, तूने धर्म से दूर कर दिया। वो बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको वहाँ जाकर भी धर्म जिन्होंने करते हैं, मैं उनके लिए मना नहीं कर रहा, बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने संस्कार दिए हैं, संस्कार से वहाँ रहते हैं, वहाँ भी पूजन भक्ति का भाव करते हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े हुए होंगे, हाँ जुड़े हुए हैं कोनाडा से आज भी बहुत। वो तो भाई साहब बहुत बहुत सौभाग्य और बहुत धन्यवाद दो उन विद्वानों को, उन आचार्यों के प्रेरणाओं को जो वहाँ जा जाकर भी मंदिरों की स्थापना हुई है, लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में, USA में भी हुई है, हाँ, और वहाँ पर भी धर्म की आराधना कर रहे हैं। लेकिन भैया बुद्धिपूर्वक उसमें हर्ष मत मानना कि हमने ये भारत देश, हमें तीर्थंकरों की भूमि बड़े भाग्य से मिली है, ठीक है ना। और वहाँ पर भी अगर वो जा रहा है तो उसमें संस्कार वैसे ही। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि बुढ़ापा कैसा, कि समाधि मरण पूर्वक बूढ़ापनो ऐसे रूप लखे आपनो। बस उल्टा कर दो छंद को, बालपने में ज्ञान न लयो तो ज्ञान लाओ, तरुण समय तरुणी रत रहो, असंयम सहित रहो तो अब संयम से रहो, और बुढ़ापे में व्याधि मरण पूर्वक मरण ना हो तो समाधि मरण पूर्वक मरण करो। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, जो हंसते हंसते जाएंगे वो समाधि मरण के पात्र होंगे, और जो रोते रोते जाएंगे वो व्याधि मरण के पात्र होंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें कैसे जाना है। वो कहते हैं ना जगत में कि खड़े खड़े निकल जाओगे तो ठीक है, नहीं तो पड़े पड़े निकलोगे, हैं खड़े खड़े निकल जाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो कैसे निकलना पड़ेगा, पड़े पड़े निकल जाए। और राज भाई साहब ने एक शब्द और जोड़ दिया, हैं मैं तो कह रहा हूँ पड़े पड़े, वो कह रहे हैं सड़े सड़े निकलोगे, सच में सड़े सड़े निकलना पड़ेगा। और जिनके पीछे हमने अपना जीवन लगा दिया वो दहलीज से आगे जाने वाले नहीं हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोग बस वहाँ तक जाने वाले हैं, साथ जाने वाला कोई नहीं है। तो अपनी समता भाव पूर्वक समाधि मरण हमारा हो, उत्तम साधु समाधि की भावना हम निरंतर भाएं, ऐसी ये प्रेरणा हमें साधु समाधि से मिलती है। चलिए साहब, आठ दरब में अर्घ बनाए ध्यानत पूजो सिरिजिन राय महासुख होए देखे नाथ परम सुख होए पांचों मेरु सिरिजिन धाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन वाली पंचमे संबंधी जिन चित्र से जिनमें मैं भी अंगन प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपांति। यह
अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो ज्ञानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हो नंदीश्वर दीप मान चारो दिशे सो नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पुंज करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो बोलिए नंदीश्वर दीप मान चारो दिशे सो पावन जिन मंदिर दान नर मन पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा द्विपंजा संयना से जिन प्रतिमा भी वंदन पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जब बोली दस लक्षण महाधर्म की, दस लक्षण धर्म की पूजन निकाले ध्यानंतराय जी की और स्थापना करेंगे खड़े होकर। उत्तम छिमा मार दव आर जब भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है हाँ किंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुं गति दुख ते काणे मुक्ति कर तार है। ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तब तक अकिंचन ब्रह्मचर्य दस लक्षण धर्म अत्र अवतर अवतर सम्मोषण त्यावरणम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तब तक अकिंचन ब्रह्मचर्य दस लक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि करणम पुष्पांजलि क्षिपे हे लक्षण पूजो सदा। ओम नी उत्तम क्षमा मार्दव अजब सत्य सो संयम तब तक अकिंचन ब्रह्मचरित दस लक्षण धर्माय जन्म जन्म तुनाशनाय जलम निरुपांति चंदन केसर गार हो ये सुवास दशो दिशा भव आता पनिवार दस लक्षण पूजो सदा इज दस लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तत्याग अकिंचन ब्रह्मचरिति दस लक्षण धर्माय भवता विनाशनाय चंदनम निरुपांति अमल्य अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ भव आता पनिवार दस लक्षण दस लक्षण पूजो सदा। ओम नी उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तत्याग अकिंचन ब्रह्मचरित दस लक्षण धर्माक्षपत प्राप्त है अक्षता निर्वांति फूल अनेक प्रकार महके उरध लोक लो सदा। ओम नी उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तत्याग अकिंचन ब्रह्मचरित दस लक्षण धर्माय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपांति ने वज विविध निहार उत्तम षट रस संजुगत भव आता पनिवार दस लक्षण पूजो सदा इज दस लक्षण पूजो सदा। ओम नी उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तत्याग अकिंचन ब्रह्मचरिति दस लक्षण धर्माय क्षुधा रोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वांति वाति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भव आता पनिवार दस लक्षण पूजो सदा इज दस लक्षण पूजो सदा। ओम नी उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तत्याग अकिंचन ब्रह्मचरिति दस लक्षण धर्माय मोहन कर्म नाशनाय दीपम निर्वांति अरे अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता भव आता पनिवार दस लक्षण पूजो सदा इज दस लक्षण पूजो सदा। ओम नी उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तत्याग अकिंचन ब्रह्मचरिति दस लक्षण धर्माय अष्टकर्म नारायण धूपम निर्वांति फल की जाति अपार ग्राण नयन मन मोहने भव आता पनिवार दस लक्षण पूजो सदा इज दस्ठो दर्भ समार ध्यान ते अधिक उछासो भव आता पनिवार दस लक्षण पूजो सदा इज दस लक्षण पूजो सदा। ओम नी उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव सत्य शो संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचरिति दस लक्षण धर्माय अनर्गत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति पीले दोष्ट अनेक पीले दोष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे धरिये क्षमा विवेक धरिये क्षमा
उतरता है आया मंगल महोत्सव महा मनोहर पुण्य दई माई बहु सुंदर जस जड़ तन से ममात्व त्यागो उत्तम त्याग धर्म अनुरागो होगा उत्तम त्याग महा बोलिए होगा उत्तम त्याग महा महारा सिद्धों से होगी मुलाकात आनंद रस झरता है ओ आनंद रस झरता है ओ प्रेम से तन ममत्व त्याग धर्म अर्घ्य निर्वाण दी माता रज से जल तन पाया गर्भवास में बहु दुख पाया बोलिए माता से भी ममत्व त्यागो तन त्याग धर्म अनुरागो ओनी जननी ममत्व त्याग धर्म में अर्घ्य निर्वाण दी अरे पिता वीर से जन्मे हो तुम काल बहुत तक संग रहे तुम पिता ममत्व पूर्णता त्यागो तन त्याग धर्म अनुरागो ओनी पितृ ममत्व त्याग धर्म में अर्घ्य निर्वाण दी हरि पुण्योदय से शुभ सुत पाया पापोदय से पुत्र विलाया पुत्र मम शीघ्र ही जागो तम त्याग धर्म अनुरागो ओनी पुत्र ममत त्याग धर्म गए अर्घ्य निर्वाण दी राज्य पाठ भाग्य से पाया रक्षा में ही समय गया हमारा सिद्धों से होगी मुलाकात आनंद रस झरता है ओ आनंद रस झरता है आया दस लक्षण पर्व महान हमारी सिद्धों से होगी मुलाकात आनंद रस झरता है ओ आनंद रस झरता है ओ नी राज्य ममत त्याग धर्म गए अर्घ्य निर्वाण दी माता रज से जल तन पाया गर्भवास में बहु दुख पाया ओ री धन महान वादी ममत त्याग धर्म गए अर्घ्य निर्वाण दी रत्न स्वर्ण आदिक धन पाया उत्तम वाहन सुख भी पाया धन वाहन का ममत्व त्यागो उत्तम त्याग धर्म अनुरागो ओ नी धन वाहन मगर ममत्व त्याग धर्म निर्मा अर्घ्य निर्वाण दी रंभा जैसी नारी पाई भोगे भोग बहुत दुख लाई स्त्री से ममत्व सब त्यागो उत्तम त्याग धर्म अनुरागो होगा ब्रह्मचर्य महा बोलिए होगा ब्रह्मचर्य महा अब सिद्धों से होगी मुलाकात आनंद रस झरता है ओ आनंद रस झरता है आया दस लक्षण पर्व महा बोलिए आया दस लक्षण अपने चेतन से होगी मुलाकात अपने
चेतन से होगी मुलाकात। आनंद रस झरता है, ओ आनंद रस झरता है। ओ स्त्री मोत्याग मंगे अर्घ्य नृपांगी। परिजन संगी साथी सुतधर, सभी मनोरंजन है नश्वर। ग्रह कुटुंबिका ममत त्याग धर्म गाय अर्घ्यम निर्वांती। चौकशाय है बहु दुखदाई, इस कारण भव पीड़ा पाई। चौकशाय मम को त्यागो, तम त्याग धर्म अनुरागो। ओम नीम कषाय भाव ममत त्याग धर्म गाय अर्घ्यम निर्वांती। पुत्रादिक से राग द्वेष बहु, उनके कारण दुख पाए बहु। राग द्वेष का ममत्व त्यागो, तम त्याग धर्म अनुराग। ओम राग द्वेष त्याग धर्म अर्घ्य निर्वांदी। माता पिता सुख पत्नी आदिक, दुख दाता है ये सर्वाधिक। सब प्रकार का ममत्व त्यागो, समस्त ममत त्याग धर्मंगाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए जयमाला पढ़ेंगे। समस्त पर विकल्प त्याग, शुद्ध आत्मवान बन। समस्त राग भाव त्याग, चिर स्वरूपवान बन। समस्त मोह जाल छिन्न भिन्न कर महान बन। समस्त ज्ञान का समुद्र आत्म धर्मवान बन। स्वरूप में अचल सदा, स्वधान में प्रवीण हो। प्रचंड त्याग महान अंगीकृत कर लो सहज, यही शांति का मूल। परम सुखदाता सदा। ओमनी उत्तम त्याग धर्म गए जयमाला पुनार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उत्तम त्याग महान मैंने। चलिए अब मैं तो इसलिए चला जा रहा था, मैंने कहा कोई टोकेगा तो मैं देखता हूँ अब कहाँ कोई मुझे टोकेगा कि चर्चा होनी आज है। कोई हो सके, मैंने सोचा राकेश सोचना अच्छा हुआ पंडित जी आज भूल गए, नहीं चलने दो चुपचाप चलने दो बस है। पीछे छोड़ने वाला कहा हूँ भाई साहब, पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, जो अवसर आपने दिया है उसको पूरा वसूल करके छोड़ेंगे। क्यों संजीव छोड़ेंगे? सुनिए अवसर। हाँ चलिए, बहुत प्यारा धर्म है। दीपक जी आप भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई सजा नहीं मिली यहाँ पर, बैठ जाओ। आप खड़गासन से जाओगे बात अलग है। हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ। पंडित जी का लगे जो संदेश है उसका भी बहुत उपकार है। देखो ऐसी ये पीडीएफ बना के भेज रहे हैं वो, ताकि हम वो जूम पे भेज पा रहे हैं सभी की। हाँ बच्चे आगे बढ़ें, इसी में ही हम सबके छाती चौड़ी होनी चाहिए वास्तव में।